वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने मेरे सेकंड चाइल्ड का इंट्रोडक्शन कराया था। सो उसका हम लोग ने फिफ्थ मंथ में नेमिंग सेरेमनी किए थे। एक्चुअली हमारे में नेमिंग सेरेमनी फंक्शन होता है बट वो 3 मंथ्स में होता है, लेकिन किरंश के वजह से, उसके एक्सीडेंट के वजह से हम लोग ने फिफ्थ मंथ में करने का डिसाइड किए थे। सो गाइस, नेमिंग सेरेमनी हमारे में कैसा होता है वो आज हम लोग मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे पे प्यार और ब्लेसिंग बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स और वीडियो निकाल रहे हैं हम लोग, ताकि मेमोरेबल रहे, ताकि बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें देखें। तो हम लोग ने ये जो डेकोरेशन है वो रात को ही करवाया था। रात को ही आए थे 11 बजे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, 10 o'clock के बाद जो भी नेमिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट करना था। तो इस तरह से हम लोग ने डेकोरेशन करवाया है। और यहाँ पे मेरे सास ससुर जी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। सभी लोगों ने फ़ोटो, मतलब फैमिली फ़ोटोज़ निकाले हैं। तो ये रेड साड़ी में जो है वो मेरी मम्मी है। तो मेरे सास ससुर को कपड़े, मतलब दे रही है, ऐसे रिवाज होता है। तो मेरे सास ससुर को टीका लगा रही है और मुझे भी कपड़ा, मतलब हम लोग को भी कपड़े दिए। तो ये रहा डेकोरेशन पीछे बैकग्राउंड का। एक्चुअली जो बलून्स हैं, हम लोग ने सोचा था कि डार्क कलर में यूज़ करेंगे, लेकिन जो डेकोरेशन के जो स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि पिस्टल कलर आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए वो अच्छा रहेगा, ऐसा बोले थे। बट बाद में जब डेकोरेशन हुआ तो उतना खास नहीं लग रहा था, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा था। जो भी लाइटिंग है उसके वजह से थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये रहा छोटा बेबी, और जो पीछे खेल रहा है वो मेरे ननंद का लड़का है। सो ये मेरी मम्मी है। मुझे पता नहीं, ये क्लिप थोड़ा अच्छा लगा है, सडनली किसी ने क्लिप लिया है, तो मेरी मम्मी इसमें बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने डाल दिया है। और ये हमारे भगवान हैं। तो ये रहा डेकोरेशन कलर कलर्स में किस तरह से लग रहा है पूरा रूम। और ये हॉल में हमारे फैमिली फ़ोटोज़ है सब। तो सबसे पहले मेरी सासू माँ सभी गेस्ट को टीका लगा रही है, ये परंपरा है और ये पहले करना चाहिए। और बाद में हम लोग ने नेमिंग रिवेलिंग किया है, वो मेरे सास ससुर ने नेम रिवेलिंग किए हैं, क्योंकि वो घर के बड़े हैं तो उनके ब्लेसिंग अच्छा रहेगा। सो हम लोग ने इसका नाम दिव्यांश रखने के लिए डिसाइड किए थे, क्योंकि कियांश का नाम है तो उसका छोटा भाई दिव्यांश सूट होगा, मतलब कियांश और दिव्यांश, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि दिव्यांश रखते हैं। तो उसके बाद नेमिंग रिवीलिंग के बाद मेरी मम्मी यहाँ पे चावल दे रही है। हमारे में ऐसा होता है कि गोद भराई होती है चावल से, हर एक फंक्शन में ऐसे करना रहता है। उसके बाद आरती उतारते हैं, तो यहाँ पे आरती उतारा जा रहा है। फिर बाद में मेरे सास ससुर, सबसे पहले उन्होंने ही उसके, मतलब दिव्यांश के कान में नाम पुकारा है, तो ऐसे झूले में डाल के नाम से बुलाते हैं। तो एक एक लोग, सभी लोग उसको नाम से बुला रहे थे। तो उसके बाद ये मेरी ननंद है जो मेरे को पीछे मार रही है, ऐसे जस्ट मजाक कर रहे थे वो लोग। तो इस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। एक्चुअली मैंने मेरे सिस्टर को बोला था कि वीडियो निकाल, तो उसने निकाला नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोटोज़ के साथ आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं वीडियो ही सोची थी कि उसने निकाला होगा, क्योंकि मैं पूरे फंक्शन में बिज़ी थी तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये रहा, तो सब लोग जो भी गेस्ट आए थे वो लोग गिफ्ट दे रहे थे दिव्यांश को। फिर भी ये जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लग रहा था। और दिव्यांश, मैं और कियान सभी लोगों ने कलर थीम ब्लू एंड नेवी ब्लू एंड गोल्डन, मतलब सोचे थे, बट इनके पापा ने ड्रेस पहना ही नहीं है जो लाए थे। तो ये लास्ट में एंडिंग में केक कटिंग हो रहा है। सब लोग ने, सब जो बच्चे हैं वो साउथ इंडियन स्टाइल वेयर किए थे, लुंगी और टी शर्ट, बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे पूरे फैमिली लोग एंजॉय कर रहे थे केक कटिंग। और ये हमारी मेड है जिसने दिव्यांश को 2 मंथ्स तक, मतलब नहलाया, इसलिए मैं उनको साड़ी दी थी। और यहाँ पे हम लोग सबके आशीर्वाद ले रहे थे। ये मेरी मम्मी कपड़े, मतलब दे रहे थे बाहर सामने, हमारे में देते हैं, तो वही हम, मैंने और सभी लोग ने, दिव्यांश, कियांश और मेरे हस्बैंड ने वेयर किया था। तो ये स्टार्टिंग का पिक है, हम लोग फैमिली पिक निकाल रहे थे।
सो गाइस यहाँ पे कियांश और दिव्यांश दोनों फ़ोटो निकाल रहे हैं यार। पीछे इस वीडियो में ना मेरे बच्चों के थोड़े नॉइस आ रहे हैं, क्या करें, छोटे बच्चे अवॉइड नहीं कर सकते, इन लोग बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। फिर कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। सो यहाँ पे हम लोगों के फैमिली फ़ोटोज़ हैं और ये कियांश है, साउथ इंडियन स्टाइल में उसने वेयर किया है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना कियांश। और ये दिव्यांश है, अभी वो ये बैठ नहीं रहा है, बस मैंने उसको पीछे से सपोर्ट किया है। और यहाँ पे मेरी ननंद की लड़की और लड़का। सो गाइस इस पिक में है ना कियांश और दिव्यांश दोनों हैं, दोनों को सेम ड्रेस मैंने कियांश का वेयर करवा के पिक निकाला था, उसका भी नेमिंग सेरेमनी का ही फ़ोटो है ताकि थोड़ा मेमोरेबल रहे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।